दोस्तों, जब से ब्रह्मांड है तब से ब्रह्मांड में विज्ञान है, और विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने अपने योगदान को दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया भर में विज्ञान के क्षेत्र में सिर्फ तीन चार नाम ही काफी प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक नाम है स्टीफन हॉकिंग का, लेकिन अब उन तीन चार लोगों में से ये भी नाम नहीं रह गया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु अभी हाल में 14 मार्च 2018 को हो गई है, और इसीलिए आज मैं आपको स्टीफन हॉकिंग की इंस्पायरिंग लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि वो तो ना ही बोल सकते थे और ना ही कुछ कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने विज्ञान और दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं स्टीफन हॉकिंग की पूरी लाइफ के बारे में। दोस्तों, कहानी शुरू कुछ ऐसे होती है। जब स्टीफन हॉकिंग का जन्म नहीं हुआ था, तब स्टीफन हॉकिंग के पिता यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ा करते थे, और स्टीफन की माँ भी उसी सेम कॉलेज में पढ़ा करती थी। और जब उन लोगों की शादी हुई, तो जब स्टीफन हॉकिंग पैदा होने वाले थे, तब उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, और इसीलिए उन्होंने अपने सेफ्टी के लिए जहाँ वो लोग रहा करते थे उस जगह को छोड़कर ऑक्सफोर्ड में शिफ्ट हो गए, जो कि ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की एक सिटी थी। और स्टीफन की माँ ने स्टीफन को जन्म दिया था, और स्टीफन अपने स्कूलिंग बायरन हाउस स्कूल से किया करते थे, लेकिन स्टीफन को बचपन से ही वही रट्टू टोटा वाली पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो बचपन से ही प्रैक्टिकल वाले काम को करना पसंद करते थे, जैसे कि फायरवर्क, एरोप्लेन और बोट जैसे मॉडल को बनाया करते थे। और जैसे जैसे समय बढ़ती गई, वैसे वैसे स्टीफन की माइंड बहुत ही अलग लेवल पे काम करती थी, और अपने स्कूल के समय उन्होंने अपने मैथ के टीचर की सहायता लेकर उन्होंने गाड़ी और टेलीफोन के पार्ट से और भी बाकी कंपोनेंट को यूज करके उन्होंने अपने हाथ से कंप्यूटर को बना दिया, और स्टीफन के इस काम से सब के सब बहुत हैरान हो गए थे। और बचपन से ही सब बच्चे स्टीफन को स्कूल में आइंस्टाइन के नाम से बुलाते थे, और जैसा कि मैंने बोला था कि स्टीफन को पढ़ाई करने में कोई मन नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये बात पता चला कि उनका मन साइंटिफिक स्टडी के तरफ बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से उन्होंने अपने फ्यूचर स्टडी के लिए मैथमेटिक को डिसाइड कर लिया। लेकिन उनके पिता उन्हें मेडिकल की स्टडी करवाना चाहते थे, और साथ ही साथ उन्होंने स्टीफन को ये भी बोल दिया कि मैथमेटिक में कोई फ्यूचर नहीं है, और ज़्यादातर मैथमेटिक्स वालों को कोई जॉब नहीं मिलती है। लेकिन उन्होंने अपने पैसों को फॉलो किया, और अपने पिता के बात को मानकर उन्होंने मैथमेटिक को छोड़कर फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को चूज कर लिया, और उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री साइड से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और वो अपने स्टडी को खूब मन से और काफ़ी मेहनत करके किया करते थे। और एक बार की बात है, जब स्टीफन छुट्टी के समय अपने घर पे आए हुए थे, तो सीढ़ी से उतरते समय सीढ़ी से गिर गए थे और वो बेहोश हो गए थे, और लोगों ने ये सोचा कि ऐसे ही कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से सभी ने इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम स्टीफन के साथ बार बार होने लगी, और जब उनके माँ बाप ने स्टीफन को डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने ये बोला कि अब इनका जीना बेकार है, क्योंकि स्टीफन को एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कि उनके पूरे लाइफ को बर्बाद कर देगी, और चाहे जितने भी इलाज किया जाए, अब ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। और इसी के साथ डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि स्टीफन सिर्फ 2 और साल के लिए मेहमान है, और इस बात से उनके माँ बाप का तो दिल टूट ही गया, लेकिन स्टीफन भी कहीं ना कहीं अपने आप से हार मान गए थे। और लेकिन स्टीफन ने ये भी बोला कि जब तक जिंदा है तब तक तो अपनी कोशिश कुछ ना कुछ बड़ा करने को रहेगी, और इसीलिए उन्होंने डॉक्टर के बातों को इग्नोर करके अपने पढ़ाई में ध्यान देने लगे। लेकिन डॉक्टर ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ, स्टीफन की पूरी बॉडी धीरे धीरे काम करना बंद करती जा रही थी, और कहीं ना कहीं ये सबसे स्टीफन के लाइफ को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, वो अपना काम करते रहे, और उनकी बीमारी अपना काम करती रही, और उनकी पूरी की पूरी शरीर अपंग हो गई थी। लेकिन खास बात यह थी कि स्टीफन के शरीर अपंग हुई थी, ना कि उनका दिमाग, और उन्होंने अपने अपंग वाले शरीर को अपना दोस्त बनाकर साइंस के फील्ड में बहुत तेजी से काम करते रहे। और इसी अपंग वाले स्टीफन ने दुनिया को बहुत सारे थ्योरी दिया, जैसे कि क्वांटम थ्योरी, बिग बैंग, कॉस्मोलॉजी, हॉकिंग रेडिएशन और भी बहुत कुछ। और इसीलिए स्टीफन हॉकिंग अपने थ्योरी के कारण पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं, और उन्होंने साइंस को एक और नए लेवल पर पहुंचा दिया। और अपने इस बीमारी से काफ़ी लंबे समय तक लड़ते हुए उन्होंने इस दुनिया में अपने नाम का एक छाप छोड़ दिया है, और आखिरकार 14 मार्च 2018 को उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों, अगर इन्हीं सभी चीज़ों से रिलेटिव आपको ये जानना है
कि इस पूरी यूनिवर्स को किसने बनाया या तो ये यूनिवर्स कैसे बनी, तो आप इस वीडियो को टच करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में इन सभी चीजों के बारे में बताया है।